नमस्कार, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हैं PRHD न्यूज। आज मैं आया हूँ कदवाया अशोक नगर जिले के अंतर्गत ईसागढ़ तहसील के पास ये ग्राम कदवाया, यहाँ पर स्थित है माता बीजासन का मंदिर, जो कि आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। माता के जो भी भक्तगण दर्शन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, और मान्यता ऐसी है कि जो भी दर्शन करता है अगर उसकी आँख में ज्योति की कमी रहती है तो वो भी पूरी होती है। और इस समय मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ। आज संयोग से काफ़ी मात्रा में बारिश हुई, जिसके वजह से मुझे वीडियो बनाने में अवरोध उत्पन्न हुआ, और फिर भी मैं इस समय मंदिर के प्रांगण में वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको दर्शन के लिए लेकर के चलता हूँ, माता के आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये हवन वेदी, यहाँ पर हवन किया जाता है। ये मंदिर प्रांगण में बहुत सारा पानी भर गया है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, और ये लगभग 250 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, जिससे माँ उन पर कृपा करती हैं और अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण करती हैं। ये बीजासन मंदिर, नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप यहाँ पर माता के मंदिर में दर्शन के लिए आए? अच्छा, यहाँ पर कब कब आते हैं आप दर्शन के लिए? रोज आते हैं, हम तो यहीं के हैं। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, आप माता के मंदिर में आप दर्शन के लिए आती हैं, तो इन मैया की कुछ महिमा के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सब आँखों के बारे में। अच्छा, चंदन ले जाते हैं, लगाते हैं, सर अच्छी हो जाती है। तो चंदन लगाने से क्या हो जाता है? आँखें अच्छी हो जाती है, दिखता नहीं है ना उन्हें। अच्छा, आँखें अच्छी हो जाती है। अच्छा, जिन लोगों की आँखें सही नहीं होती है उनको नहीं, जो कमजोर दिखता है ना उन्हें। अच्छा, जिन्हें कम दिखता है वैसा दिखता है। अच्छा, उनकी आँखें चंदन लगा लीजिए, अच्छा हो जाता है। ये पुजारी है माता की। अच्छा अच्छा, ये माता की पुजारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, माता के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। वैसे भगवती की महिमा तो पूरे देश में फैली हुई है जी। भगवती की ऐसी कृपा है कि किसी की भी कोई भी कामना हो सफल कामना हो। अच्छा, और वैसे तो विशेष भगवती का चमत्कार आँखों के विषय में। अच्छा, आँखों से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी रोगी हो, अच्छा, जैसे आँखों में फुली पड़ गई हो, आँखों से बिल्कुल नहीं दिखता हो, अच्छा, तो आँख छोटी बड़ी हो, तो उसके लिए केवल मैया का जो स्नान का जल है वो देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा,
भगवती की ऐसी कृपा है, उसी से बिल्कुल जल्दी हो जाए। बहुत बढ़िया, ये तो वास्तव में मैया का चमत्कार है। और बहुत दूर तक आते हैं, बहुत बहुत दूर, ऐसा है कि यहाँ से हर प्रदेश के लोग आते हैं। अच्छा, अभी एक बार यहाँ के आए थे, अयोध्या के आए थे बाबा जी। अच्छा, वो रहे थे अयोध्या बाबा जी। अच्छा, एक महीना रहे थे बाबा जी। बहुत बढ़िया, भगवती की ऐसी कृपा हुई कि उनकी लगभग एक महीने के अंदर ही अंदर उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता था। अच्छा अच्छा, उनको दिखाई नहीं देता, यानी कि फिर भी मैया की कृपा से उनको दिखाई देने लगा और उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। जय माता। चलिए, मैं अब आपको मैया के दर्शन के लिए मंदिर में लेकर के चलता हूँ। इस समय बारिश के वजह से पूरी तरीके से वीडियो अवरुद्ध है, फिर भी मैं आपको दर्शन के लिए लेकर चल रहा हूँ मुख्य मंदिर में मैया का। ये मंदिर प्रांगण। पुजारी जी नमस्कार, जय माता दी। जय माता। आप भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी यही है कि 100% आँख हमको ज्यादा। अच्छा, आँख है 20 साल तक बंद हो गई हूँ, फिर खुल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि जिसकी भी अगर लगभग 20% से भी अगर आँख बंद है तो वो भी खुल जाती है माता की कृपा से। बिहार से आए थे श्रीवास्तव जी, उनकी 15 साल से आँखें बंद आती। अच्छा, उनकी आँखें खुल गई यहाँ। बहुत बढ़िया। ये तो से आए थे गोपाल यादव। अच्छा, उनके 3 बच्चों की आँखें बंद आती। अच्छा, वे आँखें खुल गई यहाँ। अच्छा, लाखन आदमी की आँखें खुल गई। बहुत बढ़िया, तो माता की असीम कृपा है यानी कि भक्तों पर। अटूट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैया की ऐसी कृपा बनी रहे सभी भक्तों पर। मैं यही कामना करता हूँ, आपने जानकारी दी। अच्छा अच्छा, अच्छा वो तो ज्यादा कोई नाराज हो गए नहीं जाए। अच्छा, नमस्कार, मैं पवन कुमार, PRHD न्यूज़ दिल्ली। आज मैं आया हूँ अशोक नगर जिले के ग्राम कदवाया में, जहाँ पर माता बीजासन का मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में बहुत पुराना इतिहास है, और इस समय मैं पुजारी जी के पास में खड़ा हूँ, उनसे माता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। आइए, उनसे हम बात करते हैं। पुजारी जी नमस्कार, मैं पवन कुमार, आप बताइए माता के महत्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये माता रानी का मंदिर तो 250 साल पुराना है। अच्छा, बहुत प्राचीन है जी। और नवरात्रि में भारी मेला लगता है, महीना में 2 बार मेला लगता है। अच्छा, हर महीना में 2 बार। अच्छा, 15 दिन में जी। और बड़ा मेला लगता है चैत्र में नवरात्रि। अच्छा, त्योहार में भी भीड़ होती है। अच्छा, सवारी बारी वगैरह आती। अच्छा, और यहाँ बहुत दूर से बहुत लोग आते हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर से आते। अच्छा, माता ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों का कहना है कि भगवती की विशेष तो नेत्र है। अच्छा, जैसे ही नेत्र खराब हो, अच्छा, आँखों में कोई रोशनी ना आ रही हो जी, खाली हीरा होना चाहिए आँख में, फुली भी वगैरह 12 लटकी देती है जी, वो भी माँ ठीक करती है। अच्छा, माता जो नहाने का जल है जी, उसको देते हैं सुबह नहाने के बाद में 2 दिन आप उससे पलकों पर लगाना। अच्छा, उससे कैसी आँखें मैं रोशनी ना हो, रोशनी प्रदान करती है। अच्छा, और भी माँ जो मन में लेकर भगवती का आती हैं, वो सबकी मनोकामना सब पूरी करती है। यानी कि आपका कहना है कि माता की कृपा से यहाँ पर जो भी भक्त अपनी श्रद्धानुसार जो भी मन्नत लेकर के आते हैं वो पूरी होती है। और ख़ास तौर से माता का ये मंदिर जो है वो आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर कब कब मेला लगता है? महीना में 2 बार लगता है। अच्छा, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। अच्छा, चतुर्दशी को। अच्छा, चौदश शुक्ल बोलते हैं जी। और नवरात्रि में चैत्र में 15 दिन मेला रहता है। अच्छा, बहुत होती है भारी इकदा में। अच्छा जी। अच्छा, और क्या है कि मैया रानी की बड़ी कृपा है। अच्छा, हाँ, जो जैसी मनोकामना लेके आते हैं भक्त उनकी माँ सुनती है।
अच्छा मनोकामना पूरी होती है। बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा यहाँ पर अच्छा, एक बात और है जी, जब नेत्र ठीक होते हैं चांदी के और सोने के नेत्र लोग बोलते हैं वो अपना मैया को बैठ करते हैं। अच्छा यानी कि जिस किसी भक्त की भी अगर माता मनोकामना पूरी करती हैं उनको अपनी श्रद्धानुसार या चांदी की या सोने की वहाँ से यानी कि यहाँ पर अर्पण करना पड़ता है। अच्छा मैया का। और अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर कोई भक्त अगर यहाँ दर्शन के लिए आना चाहता है माता की तो किस प्रकार से यहाँ पहुँच सकता है, यहाँ आने के लिए दर्शन के लिए किस प्रकार से यहाँ आ सकता है? कहीं मान लो कि कोई व्यक्ति दूर है नहीं तो आने के लिए क्या माँ बुलाने की आ जाते हैं? साधन कौन कौन से उपलब्ध रहते हैं यहाँ आने के लिए? यानी कि यहाँ पर आने के लिए आप पहले ट्रेन से अशोकनगर आएँ, अशोकनगर से ईसागढ़, ईसागढ़ से फिर बस द्वारा आप यहाँ तक करवाए तक भोपाल गाड़ी जा रही है। अच्छा जा रही है, इलाहाबाद जा रही है, यानी बस मार्ग उपलब्ध है, दतिया जा रही है, शांति बच्चे सब जगह साधन उपलब्ध हो, ट्रेन से जा सकते हैं। रांची वगैरह से लोग आते हैं, अशोकनगर से आए, बिना से अशोकनगर, अशोकनगर से ईसागढ़ करवाया। 50 किलोमीटर यहाँ से अशोकनगर है, जिला है 50 किलो, और वहाँ से जो है करवाए के लिए आधा आधा घंटा पर गाड़ी है बस। साधन तो बहुत है और यहाँ से बहुत इलाहाबाद है, भोपाल है, इंदौर है, झांसी है, दतिया है, यानी यहाँ पर सभी दूर दूर से यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं मैया। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने माता के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और माता की कृपा से सब भक्तों का कल्याण हो और मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे भी माता रानी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अच्छा आप मैया ने आपको बुलाए हैं हाँ, तो आपकी जो इच्छा है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।